हेलो फ्रेंड्स फ्रेंड्स आइए डिस्कस कर लेते हैं आज की न्यूज़। आज है 16 दिसंबर, तो देखते हैं कौन सी न्यूज़ हमें डिस्कस करनी है। देखिए, कल कैबिनेट ने ट्रिपल तलाक पे जो बिल लाया जा रहा था, जो कि ट्रिपल तलाक को एक क्रिमिनल ऑफेंस मानता है, उसको मंजूरी दे दी है। तो अब ट्रिपल तलाक एक तरीके से क्रिमिनल ऑफेंस हो गया और इसमें 3 साल तक की सज़ा हो सकती है। ठीक है, ट्रिपल तलाक आप सबको पता होगा, ट्रिपल तलाक जिसे तलाक ए बिद्दत भी कहते हैं। तो अगर अब कोई इंसान ये देता है तो अब उसको 3 साल तक जेल जाना पड़ सकता है, राइट। तो ये देखिए, इंस्टेंट ट्रिपल तलाक ये कह रहे हैं कि अब आज इस बिल के अकॉर्डिंग ये अब इलीगल एंड वॉइड हो गया और ये अट्रैक्ट करता है 3 ईयर्स ऑफ इम्प्रिजनमेंट, राइट। इसके अलावा ये भी कह रहे हैं कि अगर विक्टिम जो है, अगर वो चाहे तो अप्रोच कर सकती है, अगर उसे मजिस्ट्रेट को अप्रोच करेगी, अगर उसे अलाउवेंस चाहिए उसके लिए और उसके बच्चे के लिए, राइट। और इसके अलावा हस्बैंड को फाइन भी लगाई जा सकती है, ठीक है ना। तो हस्बैंड आल्सो बी फाइंड एंड द क्वांटम ऑफ द फाइन वुड बी डिसाइडेड बाई द मजिस्ट्रेट हियरिंग द केस, राइट। तो उनको फाइन भी लगाई जा सकती है और ये डिसाइड करेगा कौन, मजिस्ट्रेट डिसाइड करेगा। तो इसका देखिए अपोज भी हो रहा है, ये असदुद्दीन ओवैसी ये कह रहे हैं कि 3 साल तो ब्राइबरी के केस में भी वो सज़ा नहीं होती है, तो ये ट्रिपल तलाक में 3 साल क्यों। और इसके अलावा इन्होंने देखिए, एक ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की जो प्रेसिडेंट है, तो इन्होंने ये कहा है, शाइस्ता अकबर है, इन्होंने ये कहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने जब ट्रिपल तलाक को बैन किया था तो कुरान की रोशनी में उन्होंने बैन किया था, और जब इस पर लॉ बना रहे हैं तो वो कह रहे हैं कि वो भी कुरान की रोशनी में ही होना चाहिए, नहीं तो हम इसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे, राइट। तो ये थी ट्रिपल तलाक से रिलेटेड न्यूज़। और अगली न्यूज़ ये देखिए, लिंकिंग आधार बैंक अकाउंट, तो इसकी डेट फाइनली 31 मार्च हो गई है, ठीक है ना। सुप्रीम कोर्ट को ये कल अनाउंस करना था तो फाइनली इन्होंने अनाउंस किया है, और अब 31 मार्च 2018 तक आप अपनी बैंक अकाउंट को आधार से लिंक करा सकते हैं, राइट। और देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने कल एक प्ली दाखिल की गई थी कांग्रेस के द्वारा, उन्होंने डिमांड रखी थी कि जो ईवीएम होता है तो ईवीएम और वीवीपैट के 25% वोटों को क्रॉस वोटिंग कराई जाए, ठीक है ना, ताकि पता चले कि ईवीएम में कुछ मालफंक्शनिंग या मैलाफाइड तो नहीं है, राइट। क्योंकि क्रॉस वोटिंग से थोड़ी सी ट्रांसपेरेंसी आ जाएगी और उससे पता चल जाएगा कि हाँ, इसमें कोई गड़बड़ी नहीं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उसको बरा कर दिया। और अगली न्यूज़ ये देखिए, देखिए एस्मा एक होता है, एस्मा टर्म होता है, अभी इसको बताएंगे क्या होता है। तो ये देखिए, इन्वोक किया गया है, डॉक्टर्स ने स्ट्राइक की धमकी दी थी वहाँ पे, और ये दूसरी बार है, सेकेंड टाइम है जब इन्होंने स्ट्राइक की बात की है, ठीक है। राजस्थान में इससे पहले भी ये स्ट्राइक पे जा चुके हैं, तो डॉक्टरों की 33 पॉइंट के जो डिमांड है उससे रिलेटेड ये बात हो रही है, राइट। तो राजस्थान में ये कह रहे हैं कि मेडिकल सर्विस ओवर 2500 गवर्नमेंट्स एंड हेल्थ इंस्टीट्यूशन अक्रॉस द स्टेट वुड हिट, ठीक है ना। पिछले महीने भी ये इन लोगों ने ये स्ट्राइक की थी, राइट। तो जब भी देखिए, जब ऐसी एसेंशियल सर्विस है, क्योंकि हेल्थ सर्विस से रिलेटेड ये है, तो ऐसे केसेस में एस्मा लगाया जाता है, ठीक है ना। तो एस्मा होता क्या है, आइए थोड़ा सा देखते हैं एस्मा के बारे में। देखिए, एस्मा होता है, एसेंशियल सर्विसेज मेंटेनेंस एक्ट, ठीक है। तो ये पार्लियामेंट का एक एक्ट है और इसको इस्टेब्लिश किया गया था टू एंश्योर डिलीवरी ऑफ सर्टेन सर्विसेज, ठीक है। तो कुछ ऐसी सर्विसेज जो नॉर्मल ह्यूमन लाइफ को, नॉर्मल लाइफ ऑफ पीपल को वो अफेक्ट करती है, उसको प्रभावित होने से बचाने के लिए इसको लाया गया था, ठीक है। जैसे पब्लिक ट्रांसपोर्ट हो गया, हेल्थ सर्विसेज हो गई, ठीक है ना, डॉक्टर्स एंड हॉस्पिटल, तो इसीलिए ये लाया गया है इस बार, राइट। तो ये कह रहे हैं कि ये सेंट्रल लॉ है, पार्लियामेंट के द्वारा बनाया गया है, और बट द डिस्क्रिशन ऑफ द एग्जीक्यूशन ऑफ इट मोस्टली लाइज विथ स्टेट गवर्नमेंट। तो एक स्टेट गवर्नमेंट का ही डिस्क्रिशन है इसको लागू करने का, राइट। तो याद रखे, एस्मा ये जो पब्लिक एसेंशियल जो चीज़ें होती है, एसेंशियल कमोडिटी, एसेंशियल सर्विसेज, उनको एक तरीके से इंश्योर करने के लिए ये लगाया जाता है, ठीक है ना। तो क्योंकि हेल्थ से रिलेटेड मामला है इसलिए यहाँ पे एस्मा की बात हो रही है, राइट। पब्लिक ट्रांसपोर्ट में भी अक्सर जब स्ट्राइक होती है तो उसमें भी ये लगाया जाता है, ठीक है। और ये देखिए, एक न्यूज़ है, इसमें 10 साल की सज़ा हुई है एक वेबर है, इनके वहाँ से लीकर पकड़ा गया था, ठीक है ना। तो इनके घर से ढेर सारा लीकर पकड़ा गया था, तो इनको बहुत ही रिग्रेस इंप्रिजनमेंट मिला है, 10 साल की सज़ा हो गई। और अगली न्यूज़ यहाँ पे कुछ है नहीं, ये देखिए, कल आज पीएम नॉर्थ ईस्ट में होंगे, मेघालय और मिजोरम में, वो एक हाइड्रो पावर का उद्घाटन भी करेंगे। तो आप थोड़ा सा याद रखिए, 2022
ये है टूरियल हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट, ठीक है, आइजवाल में इसका आज इनाग्रेशन होगा, तो याद रखे टूरियल, ठीक है, टूरियल हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट। और अगला अगली देखिए ये न्यूज़ जो है, एनजीटी ने कहा है ऋषिकेश और हरिद्वार में प्लास्टिक को बैन कर दिया, ठीक है ना, तो एक तरीके से एक गंगा को क्लीन बनाने की मुहिम में ये एक अच्छा वो है। और इन्होंने देखिए ग्रीन पैनल में पोस्ट भी किया है, अगर कोई इसका वायलेट करता है तो 5,000 रुपये फाइन लगेगी, ठीक है ना। तो एनजीटी चूँकि हरिद्वार और ऋषिकेश से होके ये गंगा का जो रूट है ये है, ठीक है, तो इसलिए इन्होंने ये लगाया है। और इसके अलावा देखिए एक जो न्यूज़ है, कानपुर टू गेट अफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट, देखिए बहुत ही सीरियस इसमें चीज़ें लिखी हुई है, कानपुर जेनरेट 450 बिट, बिट का मतलब ये होता है कि बिलियन, एक सेकेंड, बिलियन लीटर पर डे, ठीक है ना, एमएलडी, सॉरी बिट नहीं है, एमएलडी है ये, तो बिलियन लीटर पर डे, तो कानपुर में कह रहे हैं कि 450 MLD सीवेज एवरी डे ये मतलब पैदा होता, मतलब वहाँ पे होता है, ठीक है, लेकिन जो इनके पास इंफ्रास्ट्रक्चर है ट्रीटमेंट का वो सिर्फ 160 to 170 MLD ही इसको ट्रीट कर पाता है, यानी कि जो बाकी बचा वो क्या होता है, वो एज ए पोल्यूटेड वो इसी गंगा रिवर में जाता है, राइट। और इतने एक्चुअली जानते हैं इस रीजन में टेररीज काफ़ी है, ठीक है, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है देर आर 400 टेररीज एंड 60 डाइंग इंडस्ट्रीज, तो वनली कह रहे हैं कि सिर्फ 40 मेजर जो है उनके पास एफ्लुएंट ट्रीटमेंट ये प्लांट है, ठीक है, बाकी ये सब ऐसा ही यूज़ करते हैं। तो इसी के लिए देखिए गवर्नमेंट ने एक वहाँ पे फंडिंग प्रोवाइड की है, और एक एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट के लिए, राइट, तो 400 करोड़ रुपये का ये देखिए प्रोजेक्ट है। और कह रहे कि पिछला जो था वो बहुत ही पुराना हो गया था और वो प्रॉपर काम भी नहीं कर रहा है, ठीक है ना। तो ये देखिए इसमें थोड़ा सा हम ये गंगा का रूट देखेंगे, क्योंकि ये सारी चीज़ें रिलेटेड बात हो रही है गंगा को साफ करने से, तो आइए देखते हैं गंगा का, ये देखिए ये ऋषिकेश और ये हरिद्वार, ये कह रहे हैं ना कि ऋषिकेश और हरिद्वार में इन्होंने बैन किया है, तो ये है ऋषिकेश और आपका, और ये नीचे वाला है ये हरिद्वार, तो इसी रीजन में इन्होंने बैन किया है। और ये आप देख सकते हैं देवप्रयाग से निकल के ऋषिकेश हरिद्वार कानपुर इलाहाबाद वाराणसी पटना होते हुए ये यहाँ पे चली जाती है गंगा, ठीक है, बंगाल में मिल जाती है, राइट। तो ये रूट देख सकते हैं आप गंगा का, आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएं कितने स्टेट से होके गंगा गुजरती है, ठीक है ना, कितने स्टेट से गंगा गुजरती है, और इसकी ट्रिब्यूटरीज भी लिखे प्लीज कमेंट बॉक्स में, राइट और लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज जो है इसकी। तो ये हमने न्यूज़ देख ली, इसके अलावा एक ये भी देखी न्यूज़ है, ये न्यूज़ है बेंगलुरु से, कर्नाटका हाई कोर्ट ने क्या किया है, आप लोगों को पता होगा 2014 में एक रूल गवर्नमेंट ने निकाला था, उसमें ये कहा था कि जो ये सिगरेट के जो डब्बे होते हैं तो उस पर वार्निंग जो होती है, तो पिक्टोरियल वार्निंग को उन्होंने कहा था कि 85% जो एरिया जो होगा उसका उस पर वार्निंग होगी, ठीक है, तो उसी को इन्होंने स्ट्राइक डाउन एक तरीके से कर दिया, इन्होंने कहा कि नहीं ये ऐसा नहीं, अब जो पिछला जो रूल था 40% का वही लागू रहेगा, ठीक है, तो देखते हैं अब इसमें फिर कुछ ना कुछ अब फिर इसमें फैसला आएगा या इसको चैलेंज किया जाएगा। तो अभी फिलहाल इन्होंने कह दिया है कि 85 नहीं सिर्फ 40% ही रहेगा जो पुराना रूल था, और जब तक ये अमेंड नहीं होता है 2008 वाला रूल तब तक यही चलेगा, राइट। और ये देखिए सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि ऑफिसेज जो होती है उनको एक तरीके से डिसेबल्ड के फ्रेंडली बनाया जाए और उनको एक्सेसिबल बनाया जाए, ठीक है, तो ऐसे ही इन्होंने कहा है, और इन्होंने कहा है कि एटलीस्ट 20 to 50 स्टेट गवर्नमेंट डिसेबल फ्रेंडली बिल्डिंग अक्रॉस 50 सिटीज बाई दिसंबर 2017 शुड बी फुलफिल्ड, ऐसा गवर्नमेंट ने मतलब उनको एश्योर किया है, ठीक है। और हाँ कीर बेतवा देखिए बहुत इंपॉर्टेंट ये है, पिछले साल बहुत न्यूज़ में था ये, तो ये कह रहा है कि इसकी धीरे धीरे प्रोजेक्ट ये डिले हो रहा है और कॉस्ट भी जो इसकी एस्केलेट करती जा रही है, राइट। तो कीर बेतवा जो प्रोजेक्ट है यूपी और एमपी का ये रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट है, तो इसके बारे में भी थोड़ा सा इसको मैप के थ्रू देखने की कोशिश करते हैं। ये देखिए ये आपकी है केन रिवर, ये यहाँ से आती है और इसी को ज्वाइंट कर रहे हैं इससे बेतवा से, ठीक है, तो केन में चूंकि पानी थोड़ा सा ज़्यादा होता है तो इसको डाइवर्ट करेंगे इधर, और ये रीजन थोड़ा सा ये ड्राई रीजन है, ठीक है ना, तो यहाँ पे अक्सर ड्राट की सिचुएशन रहती है, ठीक है, ये एमपी का पोर्शन है, राइट।
ये सारा देखिए एपी है ना ये, तो ये और ये नीचे पूरा एपी है, ये येलो वाला जो है ये पूरा यूपी है, ठीक है, और ये नीचे वाला ये पूरा एमपी है। तो यहाँ पे जो होती है अक्सर ये एरिया जो है, तो यहाँ पे इससे इरिगेशन और भी सारे चीज़ें पॉसिबल हो सकेंगी इस लिंकिंग के थ्रू, ठीक है, पावर प्रोजेक्ट भी लगाए जा सकेंगे, राइट। तो इसको थोड़ा सा आप याद रखें, केर और बेतवा रिवर प्रोजेक्ट को, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, राइट। तो आगे बढ़ते हैं, अगली न्यूज़ देख लेते हैं, ये एडिटोरियल, एडिटोरियल थोड़ी देर में डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। और ये देखिए, ये आप लोगों को पता होगा ग्राउंड जीरो आता है सैटरडे में, तो ये बुंगेर की गन, जो बुंगेर पहले बहुत फेमस था गन के लिए, ठीक है, लेकिन वहाँ पे कह रहे कि अब बिजनेस जो है बिल्कुल लीगल जो है वो, वहाँ पे अब गन आपको नहीं मिलेगी, जबकि इलीगल आपको हज़ारों गन वहाँ पे देखने को मिल सकती है। तो एक तरीके से इनका बिजनेस बिल्कुल ठप पड़ गया। देखिए कुछ कल से विंटर सेशन शुरू हो गया, तो कल डिमांड रखी गई अपोजिशन के द्वारा कि पीएम माफ़ी मांगे, क्योंकि उन्होंने मनमोहन सिंह के खिलाफ आरोप लगाए थे कि उन्होंने पाकिस्तान के किसी ऑफिशियल से मिलके गुजरात इलेक्शन में कि बीजेपी को हराने की कुछ साजिश रची है, ये सारे आरोप लगाए थे। तो उसमें ये अपोजिशन ने डिमांड की है कि माफ़ी मांगे पीएम, या फिर सबूत दे कि ऐसा हुआ है, राइट। और पीएम की देखिए उम्मीद है कि इस बार जो सेशन है वो प्रोडक्टिव होगा। और अगली न्यूज़, ये न्यूज़ देखिए, जम्मू कश्मीर ने एक कपल जो था जिन्होंने शादी कर ली थी, ये टीचर थे, तो इनको निकाल दिया गया था, और ये आर्गुमेंट दिया गया था कि इससे लड़कों पे गलत असर पड़ेगा, क्योंकि ये जाएगा कि ये कह रहा भाई इन लोगों ने लव किया और फिर उसके बाद शादी कर ली, तो स्टूडेंट पे इसका गलत असर जाएगा। लेकिन फाइनली ये लोगों ये गेट बैक फॉर जॉब, ठीक है ना, तो फाइनली ये वापस आ गए जॉब के लिए, और इनको वहाँ के जो एजुकेशन मिनिस्टर है उन्होंने कहा है कि ऐसा कुछ नहीं है, दे विल बी रीइंस्टेटेड एज दे डिड नथिंग, उन्होंने कुछ गलत नहीं किया है, राइट। और यही देखिए, ये है ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, और इन लोगों ने ओएससी कर रहे हैं कि उस बिल जो ट्रिपल तलाक वाली बिल है उसका अपोज कर रहे हैं, राइट। इन लोगों की मीटिंग हो रही है 17 दिसंबर को, और उस पर इनका कुछ रिस्पॉन्स फिर आएगा। और ये देखिए, इन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ लिखी है, ये जो केपर्स की लैब है, आप लोगों को पता होगा एंटीवायरस ये आप यूज़ करते होंगे इसका, तो ये कह रहे हैं कि इंडिया की इतनी पॉपुलेशन और इतनी बड़ी इकोनॉमी जो है, तो इंडिया को साइबर सिक्योरिटी के लिए एक बहुत मतलब इम्पोर्टेंट हो जाता है, क्योंकि आपके पास इतनी पॉपुलेशन है तो आपको इस पे आपको साइबर सिक्योरिटी पे काम करना चाहिए, ठीक है ना, तो आपको इंफ्रास्ट्रक्चर ऐसे बिल्ड करना चाहिए जो साइबर थ्रेट को टैकल करने में काफ़ी हो, राइट। तो इंडिया को बहुत ही एक तरीके से ज़रूरत है साइबर सिक्योरिटी से निपटने के लिए। और ये देखिए, गुजरात में जो भी इलेक्शन हुआ था, तो उनके जो टर्नआउट थे उनको रिवाइज़ किया गया है, पहले इन्होंने ये कहा था कि 68.7 है, लेकिन अब ये फाद में कह रहे कि ये 69.9 है। और हाई कोर्ट फ्रेम्स रूल ऑन कन्वर्जन, तो ये राजस्थान की हाई कोर्ट है, ठीक है, तो राजस्थान हाई कोर्ट ने क्या किया है, जो कन्वर्जन होता है, रिलीजियस कन्वर्जन जो होते हैं, उसमें इन्होंने 10 गाइडलाइंस जारी की है, राइट। और उन्होंने देखिए, एक वहाँ भी केस हुआ था, जैसे एक बहुत फेमस हदिया का केस जो था साउथ का, लेकिन ये केरला का वो केस था, ये केस था, इसमें भी एक मुस्लिम, इसमें भी एक लड़की जो है वो कन्वर्ट होकर मुस्लिम लड़के से शादी की थी, ठीक है, तो उसी पे ये हैबियस कार्पस रिट दाखिल की गई है। हैबियस कार्पस क्या होती है, हैबियस कार्पस रिट क्या होती है, आप कमेंट बॉक्स में लिखे प्लीज़, हाँ। और तो उसमें देखिए, हैबियस कार्पस रिट में दाखिल की गई थी, और उसमें फिर बाद में ये इस लड़की ने कहा कि नहीं, मैंने अपने मतलब मुझे फोर्सफुली, मैंने ये शादी नहीं की है, मैंने अपने मन से शादी की है, ठीक है। तो ये देखिए, इसमें कह रहे 38 पेज का जजमेंट जो था, इसमें कोर्ट ने कहा था कि पर्सन हु विशेष टू चेंज हिज और हर रिलीजन विल इन्फॉर्म द डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, तो इन्होंने कहा है कि अगर आप कन्वर्ट होना चाहते हैं तो आपको डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर को इन्फॉर्म करना पड़ेगा, राइट। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो यहाँ पे लिखी है, ये इन्होंने कहा है कि अ क्वेश्चन अराइजेस वेदर द फोर्सेबल कन्वर्जन ऑफ रिलीजन फॉर द पर्पज ऑफ मैरिज इज जस्टिफाइड, तो इन्होंने कहा कि ऐसा नहीं है, मतलब आप शादी के लिए किसी को फोर्सफुल कन्वर्जन नहीं कर सकते, राइट। तो ये न्यूज़, और इसके अलावा ये क्या हो गया, ये देखिए ब्रेक्जिट की जो जो वो चल रही थी, ब्रेक्जिट का जो प्रोसेस चल रहा था,
तो उसमें ब्रिटेन की जो प्राइम मिनिस्टर है उनको काफ़ी झटका लगा था जब उन्होंने उनको डिफीट मिली थी पार्लियामेंट में। लेकिन ये कह रहे कि यू के जो लीडर है यूरोपियन यूनियन के, तो उन्होंने उनको एश्योर कहा है कि हम आपकी मदद करेंगे और ये टॉक जो है अगले फेज़ में धीरे धीरे बढ़ेगी, ठीक है ना। तो यू लीडर एग्री टू मूव ब्रेग्जिट टॉक्स नेक्स्ट फेज, राइट। यूएन एक्सपर्ट ने देखिए इनसे श्रीलंका से अपील की है कि आपका जो प्रिवेंशन ऑफ टेरर एक्ट है उसको रिपील कर दीजिए, क्योंकि वो एक तरीके से आर्बिट्रेटरी डिटेंशन को प्रोवाइड करता है, राइट। तो यूएन उसमें क्या होता है, इनके अकॉर्डिंग ह्यूमन राइट का वायलेशन होता है, ठीक है। तो अगली न्यूज़ जो होगी ये देखिए, ये न्यूज ये है, आप लोगों को पता चलेगा जब इन्होंने ट्रंप ने जेरूशलम को कैपिटल बनाने की बात की थी, उसके बाद से वहाँ पे वायलेंस शुरू हो गया है। तो ये वही की फ़ोटो है, आप लोग देख सकते हैं। देखिए इन्होंने ये इसराइल का ट्रूप्स है और कैमरामैन पे भी इन्होंने ये गन लगा रखी है, ठीक है। देखिए यूएस एक्यूजेज ईरान ऑफ आर्म्स डील ब्रिच, यूएस ने कहा है कि ईरान ने डील जो थी लो की आर्म्स डील थी उसको ब्रिच किया है, ठीक है ना। और ये देखिए ये जो न्यूज़ है ये रोहिंग्या इश्यू से रिलेटेड, इन्होंने ये कहा है, ये बांग्लादेश के मिनिस्टर है, इन्होंने कहा है कि जैसा इंडिया ने रोल प्ले किया था 1971 में बांग्लादेश को आज़ाद कराने के लिए, वैसा ही रोल वो कह रहे हैं कि इंडिया को प्ले करना चाहिए, वैसा ही डिप्लोमेटिक रोल रोहिंग्या क्राइसिस को रिजॉल्व करने में भी, राइट। और देखिए सेंटर ने क्या किया है, ड्यूटी जो थी उनको इम्पोर्ट ड्यूटी जो थी उनको क्या किया है, बढ़ा दिया है, राइट। तो इससे क्या होगा, अब जो बाहर से जो जो सामान आते थे इलेक्ट्रॉनिक सामान वो अब थोड़े से महंगे हो जाएंगे, ठीक है। तो कस्टम टैरिफ इंक्रीजेस कवर्स मोबाइल फोन टीवी मूव टू लैंड फ्लिप टू मेक इन इंडिया प्रोग्राम, तो इससे क्या होगा, मेक इन इंडिया जो हमारा प्रोग्राम है उसको थोड़ा सा बूस्ट मिलेगा, क्योंकि मेक इन इंडिया में हम जो इंडिया की चीज़ें बनाते हैं वो थोड़ी सी पहले वो कम्पीट नहीं कर पाती थी, क्योंकि बाहर की चीज़ें आप लोगों को पता होगा चाइनीज़ जैसे मोबाइल आजकल आते हैं वो काफ़ी सस्ते होते हैं। तो अब अगर ये ड्यूटी लगा दी गई है, ये कस्टम टैरिफ जो लगा दिया गया है, तो इससे क्या होगा, वो थोड़े से आप लोगों को महंगे पड़ेंगे, तो इंडिया की जो मोबाइल्स है या इंडिया की जो कंपनियां उनसे थोड़ा सा कम्पीट कर सकेंगी, राइट। तो इन्होंने देखिए क्या किया है, 10% से 15% ये बढ़ा दी है ये मोबाइल वगैरह पे, और कुछ और चीज़ें जैसे माइक्रोवेव टीवीज लैंप्स हीटर वगैरह वाटर हीटर प्रोजेक्टर मॉनिटर वगैरह पे ये 20% कर दिया है, ठीक है। तो यहाँ पे लगभग डबल हो गया है, तो आप ये याद रख सकते हैं कि इसके अलावा एक ये न्यूज़ है, गवर्नमेंट ने एमडीआर को डिजिटल को एक तरीके से बढ़ावा देने के लिए गवर्नमेंट ने एमडीआर को रिइम्बर्समेंट करने की बात कही है, ठीक है। एमडीआर क्या होता है, एमडीआर देखिए मर्चेंट डिस्काउंट रेट होता है, राइट। तो मर्चेंट डिस्काउंट रेट जो होता था जो अप्लीकेबल ऑन डिजिटल ट्रांजेक्शन अप टू 2000 फॉर द नेक्स्ट 2 ईयर्स गिव फ्लिप टू डिजिटल पेमेंट इन द कंट्री, दिस विल अप्लीकेबल ऑन ट्रांजेक्शन डन यूजिंग डेबिट कार्ड यूपीआई भीम एप्लीकेशन या आधार, ठीक है ना। तो एक तरीके से डिजिटलाइजेशन को बढ़ावा देने के लिए, डिजिटल पेमेंट को बढ़ावा देने के लिए इन्होंने गवर्नमेंट ने किया, हालांकि इससे गवर्नमेंट का नुकसान होगा, लिखा है 2500 करोड़ रुपये गवर्नमेंट को यूज़ करने पड़ेंगे इसमें, ठीक है ना। तो मतलब वही जो एमडीआर में जो पैसे जाते थे वो गवर्नमेंट अब खुद देगी, ठीक है, गवर्नमेंट अब उसको रिवर्स करेगी। और ये देखिए इम्पोर्ट जो है हमारा फिर से बढ़ गया है, 26.19 बिलियन से अब 30.6 बिलियन हो गया है, ठीक है। तो अगर देखिए ट्रेड डेफिसिट क्या होता है, ट्रेड डेफिसिट एक्सपोर्ट और इंपोर्ट का डिफरेंस ही तो होता है, तो एक्सपोर्ट बढ़ रहा है और इंपोर्ट भी हमारा कम हो रहा है, ठीक है, सॉरी एक्सपोर्ट बढ़ रहा है, एक सेकेंड, हाँ नहीं देखिए एक्सपोर्ट बढ़ रहा है ये तो हमारे लिए अच्छी खबर है ना, एक्सपोर्ट अगर बढ़ रहा है मतलब हम ज़्यादा एक्सपोर्ट कर रहे हैं तो हमारे पास ज़्यादा पैसे आएंगे, डॉलर ज़्यादा आएगा, तो ये तो अच्छी। लेकिन इम्पोर्ट भी बढ़ रहा है तो इसलिए कह रहे हैं कि डेफिसिट जो है थोड़ा सा, और ट्रेड डेफिसिट जो है वो बढ़ रहा है, ठीक है ना, ट्रेड डेफिसिट का जो गैप है वो और वाइड हो रहा है, राइट। तो क्योंकि वो वाला जो है इम्पोर्ट वाला जो रेशियो है वो ज़्यादा है, देखिए वो इम्पोर्ट वाला 19.6 से 40 बिलियन हो गया, ठीक है, और इसमें तो बहुत माइनर डिफरेंस है, इसमें तो सिर्फ 4 बिलियन का ही डिफरेंस है, लेकिन इसमें देखिए इसमें कितना डिफरेंस है, इसमें लगभग 20 बिलियन का डिफरेंस है, राइट। इसीलिए कह रहे हैं कि ये गैप धीरे धीरे बढ़ रहा है, और ये देखिए स्लो डाउन कह रहे हैं कि धीरे धीरे ख़त्म हो रहा है, आरबीआई के जो गवर्नर हैं उर्जित पटेल, और कह रहे हैं कि फाइनेंशियल मार्केट धीरे धीरे रिजिलियंस स्टेबल हो रही है और वोलाटिलिटी जो है वो धीरे धीरे ख़त्म हो रही है और ग्रोथ जो है पिकअप कर रही है, राइट। और ये देखिए इन्होंने एक बात कही है कि इनइक्वलिटी जो है वो ज़रूरी नहीं है कि हाई ग्रोथ और इनइक्वलिटी दोनों एक साथ हो, ठीक है, और हालांकि
हालांकि ये देखिए कह रहे हैं कि बॉटम 50% ऑफ इंडिया हैज़ लिटिल एक्सेस टू क्वालिटी हेल्थ ट्रांसपोर्ट। ये कह रहे हैं कि जो इंडिया के जो 50% गरीब लोग हैं, जो निचले तबके के लोग हैं, वो उनको पूरी तरीके से एसेस नहीं कर पा रहे हैं क्वालिटी ऑफ एजुकेशन को, चाहे हेल्थ या ट्रांसपोर्ट को। लेकिन मतलब ये इन दोनों में रिलेशन एक तरीके से कर रहे हैं कि ऐसा नहीं है, ज़रूरी नहीं है कि हाई ग्रोथ हो तो इनइक्वालिटी भी ज़्यादा हो। ठीक है, तो आज के लिए दोस्तों इतना ही। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।